कहा था ड्रेस रिहर्सल तो शुरू हो चुका है, अब आपके पहने ये क्या बात हुई भाई? आज एक एग्जांपल बता दीजिए जब आरएसएस ने तालिबान की तरह बिहेव किया, एक एग्जांपल बता दीजिए मुझे भाई मेरे को। और जब हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जिन लोगों ने वो किया उसको सजाना मिली हो, एक एग्जांपल बता दीजिए ना जी। ठीक है, तो अब आप मुझे, हाँ मुझे मुझे बोलने दीजिए आप पहले। देखिए अब यहाँ संजू वर्मा बैठी हुई हैं, इन्होंने शुरुआत करी गांधी जी से, फिर शुरुआत करी अंबेडकर से, लेकिन जब मैंने कहा कैन यू डेनाउंस गोडसे तो शी कैन नॉट डेनाउंस गोडसे, गोडसे के खिलाफ नहीं बोलेंगी कभी। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये इस्लामोफोबिया पे पहुंच गई, इन्होंने बोला साहब ये मुसलमान खराब होते हैं, देखिए सारा का सारा आतंकवाद जो है वो तो मुसलमान फैला रहे हैं। मैंने कहा कि अमेरिका इज द क्रिएशन ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, तालिबान वाज क्रिएटेड बाय अमेरिका, और क्योंकि ये लोग भाई अमेरिका की तरफदारी करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका को नहीं क्रिटिसाइज किया भाई, चाइना पे पहुंच जाएंगे ये। तीसरी बात स्वदेशी जागरण मंच के बारे में थोड़ा बता दें मुझे, आपकी पॉलिसी 100% एफडीआई गोवलकर को बेच के खा गए आप, आपने एक नया आरएसएस खड़ा करा है उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, स्वदेशी हमें दिखती नहीं। विवेक जी सम्मान के दायरे में रहकर बात कीजिए ना, अब जो सम्मान के दायरे में सबके साथ, हम सबके साथ सम्मान के दायरे में बात करें। मैंने तो कौन सी मैंने किसका सम्मान नहीं हुआ, किसका सम्मान नहीं हुआ, मैंने किसका सम्मान नहीं हुआ, किसका सम्मान नहीं हुआ, क्यों करूं मैं गोवलकर का सम्मान, क्यों करूं मैं गोवलकर का सम्मान, और क्यों करूं मैं आरएसएस का सम्मान, मैं कम्युनिस्ट हूं और मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं, मैं नहीं सम्मान करता उन विचारधाराओं को जो देश को तोड़ना चाहती है, मैं भारत का सम्मान करता हूं, भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, गोडसे का सम्मान करूंगा इनकी तरह, डिनाउंस करें गोडसे को, ये नहीं करेंगी, ये इस्लामोफोबिया को लेकर के बैठी है, ये करें डिनाउंस हिंदू राष्ट्र को, आप डिनाउंस करिए हिंदू राष्ट्र को, आप बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन, तब मैं आपको सम्मान दूंगा, आप डिनाउंस करिए राष्ट्र को, आप बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर रहेगा, मैं दूंगा सम्मान सबको, किसी को कोई गाली नहीं दे रहा है, आप कंसेप्चुअली गलत और कम्युनल लोग हैं, आप लोग कम्युनल एक संगठन है और कम्युनल राजनीति को बढ़ावा दे करके वोट पोलराइज करके आप वोट लेते हैं, इस्लामोफोबिया आपका डीएनए है, हिंदू राष्ट्र को आप, मैडम आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे स्वेयर करता हूँ, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, वैलेंटाइन डे पे जाकर के जब बजरंग दल लड़के लड़कियों को रोकता है तो क्या वो तालिबानी सोच नहीं है? वैलेंटाइन डे मनाएंगे आप मैडम, आप वैलेंटाइन डे के फेवर में हैं? जरा मुझे बताइए आप वैलेंटाइन डे में आ गए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट विवेक भाई निकिता रावत तालिबानी सोच है, दर्शक की बात सुन लेते हैं, बजरंग दल की तालिबानी सोच है, जनार्दन की बात आप भी सुनिए, अच्छा रहेगा। निकिता बताइए क्या आपको लगता है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तालिबान से तुलना की जा सकती है? निकिता बताइए आप क्या सहमत है जावेद अख्तर साहब से? नहीं, जावेद अख्तर सर ने जो स्टेटमेंट बयां करी है कि तालिबान और आरएसएस की तुलना जो उन्होंने एक साथ करी है वो उसके बाद से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो पूरा एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसमें इसका मतलब हुआ कि हम किसी को भी सेक्स, कास्ट, रिलीजन उसके बेसिस पे तो आरएसएस तो हमारे सपोर्ट करता है ना, तो उसको हम तालिबान के साथ तुलना कैसे? बिल्कुल सही कहा निकिता, बिल्कुल सही आपने। निकिता मैं आप ही की बात को अवनिजेश जी के पास ले सकता ले जाता हूँ। अवनिजेश जी,